अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये HP 4555 है, इसका जो है वो स्कैनर खोल के सर्विस कर रहे हैं। इसमें स्कैनर में थोड़ी लाइंस वगैरह आ रही थी, शेड्स आ रहे थे DADF से और प्लैटिनम से, उसकी सफाई कर रहे हैं। सबसे पहले ही हमने इसकी DADF की केबल्स वगैरह डिसकनेक्ट करनी है। एक ग्राउंड का स्क्रू है वो खोलना है। ये ADF के जो है वो दो स्क्रू है लॉक के, वो भी हमने निकाल लेने। ये स्क्रू निकाल लिए हैं, इसके बाद ये DADF जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये टॉप के जो पांच स्क्रू हैं वो खोल लेने। एक ये साइड में स्क्रू है जो कि क्या नाम है, साइड कवर है इसका ग्रे कलर का, उसको हमने हटाना है। ये कवर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये कवर इसको स्क्रू खोला था हमने, ये कवर बाहर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसका स्कैनर खोलने का। इसके बाद ये फ्रंट पे कवर लगा हुआ है इसका, इसके तीन स्क्रू हैं ये खोलने। ये तीन स्क्रू खुल गए, अब ये कवर बाहर आ गया है। और इसके नीचे जो है वो स्कैनर प्लैटिनम के जो तीन स्क्रू और मज़ीद हैं वो खोलेंगे, तो हम जो है ये प्लैटिनम जो है ऊपर से शीशा हट जाएगा। ये स्क्रू खुल गए, अब ये हम ऊपर से इसको प्लैटिनम रिमूव कर देंगे। बाद में इसकी हम सफाई भी वगैरह भी करते हैं। अभी जो मेन काम है वो हमें इसका जो CCD कहलाता है, जो लैंप कहलाता है, उसकी हमें ये सफाई करनी है। सबसे पहले हमने इसके जो है वो ये जो रॉड्स लगे हुए हैं इसको रिमूव करना है। बहुत ही आसान है, इसके रॉड्स जो है वो कोई लॉक वगैरह नहीं है, सीधा सीधा ऊपर से हम इसको रिमूव कर देंगे ईज़ीली। ये देखें, ये रॉड इसके अंदर से गुज़रती है, तो ये रॉड हमने इसकी निकाल दी है। दूसरी भी इसी तरीके से सेम टू सेम जो है वो रॉड निकलेगी। उसके बाद जो है वो हमने इसकी जो बेल्ट है उसको लूज़ कर लेना है, ताकि हम जो है वो लैंप को उसको उल्टा कर सकें, उसको पलट सकें। ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है गियर के साथ, उसको थोड़ा सा आगे करेंगे आप तो बेल्ट लूज़ हो जाएगी। उसके बाद ये पलट देंगे, और इसके ये दो स्क्रू हैं ब्लैक वो हमने खोलने हैं, तो ये कवर हमारा रिमूव हो जाएगा। ये हमारा जो है वो कवर अब रिमूव हो गया। अब इसमें आपको जो है वो प्लैटिनम के मिरर वगैरह नज़र आ जाएंगे, इसको आपने किसी साफ़ कपड़े से या टिश्यू पेपर वगैरह से इसको साफ़ कर लेना है।
इसके जो मिरर हैं वो आगे पीछे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इसकी आगे पीछे से सफाई कर लेनी है ताकि कोई डस्ट या कोई ऐसा पार्टिकल इसके ऊपर ना रहे जो स्कैनर में लाइन का सबब बने या उसको रिफ्लेक्ट करे। तो अच्छी तरीके से एक दफ़ा उसकी सफाई कर लें, अंदर झांक लें, आपको मिरर टू मिरर नज़र आएगा, तो एक मिरर से दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है तो आपको वो नज़र आ जाएगा अगर कोई स्पॉट्स या कोई शीशे पे कोई लाइन होगी या कोई चीज़ चुकी हुई होगी। उसके बाद इसके कवर को वापस रिमूव कर लेना, लगा देना है वापस। आगे की तरफ दो लॉक हैं, उसके अंदर पहले ये कवर जो है बैठेगा, फिर उसके बाद इसके स्क्रू लगेंगे। अच्छी तरह आगे पीछे की स्कैनर की जो है वो सही तरीके से सफाई कर ले ताकि कोई डस्ट वगैरह जो है वो ना रहे, और उसके बाद जो है वो इसकी लैम को हम वापस लगा देंगे, बेल्ट को जो है वो गियर के ऊपर जो इसका जो लगा हुआ है उसके ऊपर बेल्ट को उसको चढ़ा देंगे। वापस जो है वो स्प्रिंग को थोड़ा सा हमें बैक करना होगा ताकि जो है वो ये बेल्ट ईज़िली उसके ऊपर चढ़ जाए। किसी और चीज़ को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इजी है, बहुत ही जो है वो बेल्ट आराम से आप उसको चढ़ा दें और जो है कोई और चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस दो राडें हटती हैं, वो जो स्टील की आपको नज़र आ रही है जिस पे ये एक्सपोजर चलता है वो इजीली आपको नज़र आएगा। ये रॉड देखें आप, इसके अंदर हमने वापस डाल दिए और सेकंड भी इसी तरीके से अंदर से इसके गुजरेगी और रुक जाएगी। अगर सही तरीके से फिट नहीं हुआ तो ये एक्सपोजर ऐसे चलेगा नहीं पूरा इजी, कहीं फंसेगा अगर रॉड सीधी उसके अंदर से नहीं जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो प्लेटन की किसी लिक्विड वगैरह से लुब्रिकेंट से जो है वो अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। बस सैनिटाइज़र था तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छी तरीके से शीशे की आगे पीछे से उसको सफाई करके और उसके बाद जो है उसको वापस बंद कर दें।
ये हमारा प्लेटन बंद हो गया। अब इसके बाद ये कवर हमने लगा दिया और अब जो है वो बारी है DADF की, उसको फिट करना है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और कोई बात पूछना चाह रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो उसका मैसेज कर सकता है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है वो उस पर दिया हुआ है तो आप उस पर भी हमें रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने जो भी मामला आते हैं कि कोई एरर आ रहा है या कोई मसला आ रहा है। अच्छा, इससे इसका जो ये डस्ट वगैरह की वजह से स्कैनर फॉल्ट वगैरह भी आता है, बाद अवकात स्कैनर फॉल्ट लिखा हुआ होता है या कॉपी का ऑप्शन हाइड हुआ हुआ होता है, तो ये भी एक वजह है कि ये शीशे के अंदर जो मिरर में मिट्टी और डस्ट होती है उसकी वजह से भी ये आ रहा होता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, अगर कोई स्कैनर फॉल्ट वगैरह आ जाए या कोई भी आ जाए तो सबसे पहला काम है हमारा कि इसको खोल के अच्छी तरीके से इसकी हम सफाई कर लें। जब हम सफाई कर लेंगे मिरर से ओके हो जाएंगे, प्लेटन दिख रहा हो कि चल रहा है या मूव हो रहा है अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो डस्टिंग वाला मामला क्लियर है। अब अगर कोई फॉल्ट है तो फिर वो उसके आगे फॉर्मेटर का है या स्कैनर कार्ड का है या फिर एक्सपोजर लैम्प भी ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी आता है। अगर किसी को कोई मसला है, कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने एरर कोड के साथ जो है वो उसमें मेंशन कर दे, इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप तो वो इसमें वीडियो में जो है वो अच्छी लगी हो तो बराए करम इसको सब्सक्राइब या जो है वो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, ये मशीन हमने लगा के फिट करके ऑन कर दी है और अब जो है वो इसकी जो मिरर से जो डस्ट आ रही थी और लाइन आ रही थी उसकी कॉपी वगैरह करके हम देखते हैं कि उसका अब रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। अच्छा, अब हम ज़रा स्कैनर से कॉपी करके देखते हैं और रिज़ल्ट उसका आपको दिखाते हैं कि उससे जो है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है।
ये हमने स्कैनर से एडीएफ से कॉपी लगाई इसकी। ये इसका ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है, बिल्कुल क्लियर हो गया ये।